5 minutes. इस किताब के लॉन्च के अलावा कोई और वजह मुंबई आने की? कोई सेलिब्रेशन भी है शायद थोड़े से? अरे वाह, आपको याद है? याद है, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगी सेलिब्रेशन के लिए, बैंगलोर में रहूँगी मैं उस दिन, किसी काम के सिलसिले में ही जा रही हूँ बैंगलोर, पर ब्रेक मिला क्योंकि कुछ और काम था, एड फिल्म्स की शूट थी, तो मैंने पहले ही शुजॉय से कह दिया था कि कुछ दिन मुझे बीच में चाहिए, इसीलिए मैं आई हूँ। और आई तो ये मौका मिला क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़े राक्षस के और मुझे जानना था कि आगे क्या होता है, तो मैं आ गई। थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा तीन, अमित जी, सुजय घोष और आप, कहानी फिर से दोहराई जाएगी और नवाज, ये कहानी नहीं है पर ऑफ कोर्स तीन की कहानी बहुत अलग है और मज़ा आ रहा है फिर से। कोलकाता में मैं शूटिंग कर रही हूँ और बहुत सारे लोग टीम में वही हैं जो कहानी पर भी काम कर चुके हैं, तो मज़ा आ रहा है। और शुजॉय के साथ तो हमेशा मज़ा आता है, मिस्टर बच्चन हैं, नवाज है, आई एक्चुअली लव शूटिंग देयर। ओके, अब कुछ अगर बता सके अपने किरदार के, टू अर्ली टू टॉक अबाउट बट स्टिल यू नो, और क्या आप मानती हैं कोलकाता, दुर्गा माँ, वो सब लकी है आपके लिए? वो सब मुझे नहीं पता, फिल्म अगर अच्छी होती है तो खुद ब खुद लकी बन जाती है, पर मेरे ख्याल से हम बस अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है काम के वक्त। मैं एक कॉप प्ले कर रही हूँ और उसके अलावा मैं कुछ और नहीं बता पाऊँगी, पर ये एक स्पेशल अपीयरेंस है जो मैं कर रही हूँ फिल्म में। मैंने बट आई वॉज एक्साइटेड अबाउट डूइंग इट बिकॉज इट्स अ फैबुलस स्क्रिप्ट, इट्स अ चांस टू शूट अगेन इन कोलकाता मिस्टर बच्चन और नवाज के साथ और शुजॉय के साथ फिर से। तो लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं इतने अच्छे अच्छे लेखक हैं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखें जिसे मैं इंटरेस्टिंग किरदार लिखे जिन्हें मैं निभा पाऊँ, पर मैं लिख नहीं सकती। ओके, जो कॉप आप ले कर रही हैं, जो अमूमन हम देखते हैं कमर्शियल फिल्मों में, सिनेमा में जिस तरह का होता है दबंग, वो सब नहीं बताऊंगी मैं। थैंक यू।